Welcome back, students, to your English class. And this is the second part of your chapter number one. The name was Best Christmas Present in the World. And we will start from the same topic where we had left in first video. So this is second paragraph, mid one part. Captain Jim MacPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. Of Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked. Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set a foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far From the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hence, Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. तो जो कैप्टन जिम मैकफर्सन जो है वो जो फ्रिट्ज सोल्जर जो था क्या नाम था उसका हॉल एक मिनट ओके जो वॉल्क था वो उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि जो हैंस वॉल्क था उसे वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि जो मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी और मैं एक स्कूल टीचर हूँ स्कूल टीचर हूँ डॉरसेट का वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर तो जो कौन था वो हैंस वॉल्फ कहता है कि अच्छा तुम डोरसेट के हो और उस स्माइलिंग में वो कहता है कि मैं उस प्लेस को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने अपनी जो रम रेशन थी एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है रम मैंने उसे और शेयर किया और उस जो फ्रिड्स के पास सॉसेज थी मीट थी स्पाइसी उसे शेयर किया और हमने बहुत सारी बातें की कोनी बहुत सारी और उसने बहुत ही अच्छी इंग्लिश के अंदर मेरे साथ बात की लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था कि जो हैंस वॉल्फ है वो कभी भी डोरसेट नहीं आया तो उसे इतनी इंग्लिश अच्छी तरह से आती कैसे है तो मुझे पता चला कि उसने ये सारी इंग्लिश या फिर इंग्लैंड के बारे में उसने अपने स्कूल से पढ़ा था और जो कहते हैं अपने बुक्स जो होती हैं वहाँ से उसने इंग्लिश सीखी थी तो उसके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस बाथसेबा और सॉरी जो उसके राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और उसके बाद हमने जो बाउंड्री एरियाज जो था मैं हमने वहाँ पे बहुत सारी बातें की और हमने ज़्यादातर बाथशेबा गैब्रियल ओवेक और सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट की बातें की उसकी वाइफ है और एक बेटा है जो कि जस्ट 6 मंथ का है और मैंने देखा कि काफ़ी सारे काकी और ग्रे जो है वो हर जगह ग्रुप बने हुए हैं काकी और ग्रे कलर के और सारे ही बहुत सारी मस्ती सी कर रहे हैं जैसे कि कोई स्मोकिंग कोई लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग मीटिंग वगैरह और मैंने और हैंस वॉल्फ में तुम्हारा जो केक था उसका बचा हुआ जो आखिरी जो बचा हुआ पीस था वो हमने शेयर किया और जो मार्जिपेन जो होती है मतलब केक की जो क्रीमी स्पेस होती है जो हैंस वॉल्फ था उसने उसे सबसे बेस्ट चीज सबसे टेस्टी चीज बताई जो उसने अभी तक कभी टेस्ट नहीं की थी और मैंने भी उससे एग्री किया और हमने हर चीज के लिए एग्री किया और इवन दो हम एनिमीज थे एक दूसरे के तो भी लेकिन मेरी ऐसी कभी भी क्रिसमस पार्टी आज तक नहीं गई है सो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर ए है आह डोरसेट आई नो दिस प्लेस आई नो इट वेरी वेल हु सेट इट टू होम
ओके एंड द आंसर इज जर्मन आर्मी ऑफिसर हैंस वॉल्फ सेड दिस टू ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जिम मैकफर्सन एंड बी इज हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू इंग्लैंड एंड द आंसर इज नो हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड. क्वेश्चन नंबर टू ए पार्ट इज हु वॉज थॉमस हार्डी एंड द आंसर इज थॉमस हार्डी वॉज राइटर द फेवरेट ऑफ हैंस वॉल्फ एंड बी इज फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एंड एवर एंड वर्स्ट एंड द आंसर इज नेवर एंड बेस्ट. ओके नेक्स्ट पेरा इज देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल ग्रे कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आर फिट टू कीप आउट द कोल्ड to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve the war. This war, a football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. I had prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that. And together we watched the game. Said to say, Connie Fritz won 2-1. But as Hans Wolf generously said, our goal was whiter than theirs, so it wasn't quite fair. तो अब जो है जो कैप्टन जिम मैकफर्सन जो है वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से सडनली किसी ने एक बॉल जो थी वो फुटबॉल जो थी वो लाके ग्राउंड पे गिरी और हमने जो हमारे जो ग्रेट कोर्ट्स थे वो हमने क्या किया जो जो पाइल्स जो थी जो जमीन पे हमने उसे गोल पोस्ट बना दिया और आगे हमने फिर उसके एक मैच रखा जिसमें टॉमी और फ्रिट्स एक दूसरे के खिलाफ थे जो बॉर्डर लाइन थी उसके बीच में हमने वो मैच रखा था जो हैंस वॉल्फ था और जो मैं हम दोनों ने बहुत सारी चीयर्स की और अपने हैंड्स को क्लैप किया और अपने फिट को ज़मीन पे मारा ज़ोर ज़ोर से जिससे कि बहुत सारी चीयरिंग हो और हर चीज़ बहुत कूल से चले. काफ़ी एक ऐसा एक मोमेंट है जिसमें कि जो जो जिम मैकफर्सन था उसने नोटिस किया कि जो उनकी जो ब्रेथ है उनकी जो सांस है वो एक दूसरे के साथ मिंगलिंग हो रही है एयर के अंदर हम दोनों टीम के बीच में और हैंस वॉल्फ जो था उसने भी यही नोटिस किया और उसने स्माइल किया. फिर जो हैंस वॉल्फ था उसने कहा कि जिम मैकफर्सन मुझे लगता है कि हर वॉर को ऐसे ही रिजॉल्व कर लेना चाहिए हमें एक फुटबॉल मैच पे जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी नहीं मरता ना ही कोई चिल्ड्रन जो है वो ऑर्फेन होता है अनाथ होता है और ना ही कोई वाइफ जो है वो विडोज होती है मतलब विधवा होती हैं. तो जो जिम मैकफर्सन है वो कहता है कि लेकिन मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ अगर तुम क्रिकेट फुटबॉल की जगह अगर तुम क्रिकेट खेलते तो श्योर था कि जो टॉमीज हैं जो हम लोग हैं वही जीतते और हमने उस बात पे काफ़ी हंसी भी की. और उसके बाद जब हमने गेम देखा और देखते देखते क्या हुआ कि जो फ्रिट्ज के जो ऑफिसर्स हैं कोनी वो जीत चुके थे और दो गोल्स थे उनके और हमारा एक ही था. लेकिन जैसे कि हैंस वॉल्फ ने बताया कि जनरसली हमारा जो गोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था उनसे तो ये ज़्यादा फेयर नहीं रहा. सो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर ए सॉरी फर्स्ट का ए पार्ट है हु प्लेड अ फुटबॉल मैच इन नो मैन्स लैंड एंड आंसर इज जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स प्लेड अ फुटबॉल मैच इन नो मैन्स लैंड. बी इज हु वॉन द फुटबॉल मैच एंड बाय व्हाट मार्जिन एंड आंसर इज द जर्मन सोल्जर्स वॉन द फुटबॉल मैच बाय 2-1. Question number 2 A part is who said that the football match could be the best way to resolve the war and the answer is German officer Hans Wolf
सेड दैट द फुटबॉल मैच कुड बी द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द वॉर एंड द बी पार्ट इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स थ्रोन डाउन एंड द आंसर इज डम्प्ड. ओके सो नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ टू का नेक्स्ट पार्ट है ये. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. आई थिंक दैट इट इज वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स. हैंस वोल्फ सेड टेक केयर जेम मैकपर्सन आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स द ट्रेंचेस. दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स वी हर्ड सम देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. इट वॉज टिल नेक्स्ट साइलेंट नाइट. आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल्ड एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. वी हैड हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Your loving Zim. तो इसमें जो जिम है वो कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीता और सब कुछ खत्म होने लगा, गेम भी फिनिश हो चुका था, जो हमारे पास स्नैप्स थी और जो रम थी, जो सॉसेज थी, वो भी खत्म हो चुकी थी और हमें पता था कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है. तो मैंने जो हैंस था उसे वेल विशेस दी और मैंने उसे कहा कि मुझे यही उम्मीद है, मुझे यही होप है कि तुम जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास जाओ और ये फाइटिंग बहुत जल्द खत्म हो और हम सब घर पे जाएं. तो जो हैंस वॉल्फ है वो कहता है कि मुझे भी यही लगता है और शायद मुझे ये भी मैं सोचता हूँ कि हर एक सोल्जर दोनों साइड से यही चाहता है. तो जो हैंस वोल्फ था उसने जिम मैकपर्सन को कहा कि ध्यान रखना जिम मैकपर्सन, टेक केयर, और मैं ये जो मोमेंट था वो तुम्हारे साथ कभी नहीं भूलूंगा और उम्मीद है तुम भी नहीं भूलोगे. और उसने सैल्यूट किया और वो वहां से चलने लगा धीरे धीरे और अनविलिंगली मुझे भी यही लगा. जो उसके बाद उसने काफी देर चलने के बाद उसने वापस एक बार टर्न किया और वेव किया जिम मैकपर्सन की तरफ अपना हाथ, जैसे अपने बाएं कहते हैं उस टाइप से उसने हाथ को वेव किया. और उसके बाद वो उन जो काफी जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड जो मैन थे उनमें वो शामिल हो चुका था और वो अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे. उसी रात क्रिसमस की रात तो क्या हुआ कि हम जब अपने डगआउट्स में थे तो हमने एक गाने की आवाज सुनी, एक कैरोल की आवाज सुनी, स्वीट सॉन्ग की आवाज सुनी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली गाया जा रहा था. और वो सॉन्ग जो था उसका नाम था स्टिले नेक्ड साइलेंट नाइट. ठीक है, तो जो हमारे भी बॉयज थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, उन्होंने भी उन्हें वापस एक राउजिंग कॉरस दिया, मतलब वापस उन्हें एक एक्शन पे रिएक्शन दिया. उन्होंने जो हमारे जो बॉयज थे उन्होंने गाया था वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड और हमने एक दूसरे के साथ कैरोल्स एक्सचेंज किए काफी देर तक. और उसके बाद सब कुछ शांत हो चुका था और हमें ऐसा टाइम, शायद पीस और गुडविल का टाइम हमें वापस नहीं मिला और हम इसे चाहते थे, जिसे कि मैं एक खजाने की तरह, एक ट्रेजर की तरह मैं उसे जीना चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक. तो लास्ट में जो जिम है वो कहता है डियरेस्ट कोनी जो अगली क्रिसमस आएगी नेक्स्ट ईयर बाय क्रिसमस नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर, जो ये वॉर है वो कुछ भी नहीं होगा लेकिन ये एक दूरी होगी, एक टेरिबल, एक हॉरिबल सी मेमोरी होगी जिसे हम हमेशा याद रखेंगे. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे. और मुझे लगता है जो कि आज हुआ था उससे कि दोनों जो आर्मीज हैं वो आर्मीज जो हैं वो पीस को कितना पसंद करती हैं, वो शांति को कितना पसंद करती हैं. और मैंने मतलब जो जिम है उसने कोनी को लास्ट में कहा कि हम जल्द ही टुगेदर होंगे, इकट्ठे होंगे जल्द ही, मुझे इस चीज़ की श्योरिटी है.
योर लविंग जेब, तुम्हारा प्रिय जेब, ठीक है। सो फर्दर इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, हु सेड दैट एवरी सोल्जर ऑन बोथ साइड्स वांटेड टू एंड द फाइटिंग, एंड द आंसर इज जर्मन सोल्जर सैंग द कैरोल स्टिल, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड द आंसर इज जर्मन ऑफिसर हैंस वॉल्फ सेड दिस। बी पार्ट इज आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, हु सेड इट एंड टू हुम, एंड द आंसर इज हैंस वॉल्फ सेड दिस टू जिम मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट इज हु सैंग द कैरोल स्टील इन नेक्ट, एंड द आंसर इज जर्मन सोल्जर सैंग द कैरोल स्टील इन नेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रुप सिंग ग्रुप सॉन्ग, एंड द आंसर इज कॉरस। फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव चेक है, वो आपकी बुक से आप रेफर कर लेना। नेक्स्ट है पैराग्राफ 3 का फर्स्ट पार्ट, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, आई ड्रोव इनटू ब्रेडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बीचेस वॉज, House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. MacPherson. Oh yes, said the old man in the slippers. He knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. तो उसके बाद जो ऑथर है वो कहता है कि मैंने उस लेटर को फिर से फोल्ड किया और मैंने ध्यान से, बहुत ही ध्यान से उस एनवलप के अंदर उसे वापस डाल दिया, और मैं सारी रात, मुझे नींद नहीं आई, मैं सारा रात सोया नहीं, और जैसे ही मॉर्निंग हुई तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था कि मैंने क्या करना है और मैंने वही किया। मैं जल्दी से ब्रिटपोर्ट गया, जस्ट थोड़ी सी माइल्स अवे, और मैंने वहाँ पे एक बॉय जो था, उसके पास एक डॉगी था, उससे मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है, और उसने मुझे बता दिया। और देखते देखते मैं हाउस नंबर 12 के आगे आ चुका था, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ बर्न्ड आउट हाउस था, मतलब शेल्स थी, बर्न्ड आउट रूफ थी, और जो रूफ है उसमें गैप्स थे, जो विंडो है वो भी बॉर्डर्ड अप थी, मतलब वो भी जली हुई थी या एक लेयरिंग आई हुई थी उस पर भी। आई नॉक्ड, तो मैंने उस जो नेक्स्ट जो हाउस था उसके पास ही, उसके बगल में ही, हाउस नंबर 12 के बगल में एक हाउस था, मैंने उसे उसके डोर को नॉक किया और मैंने पूछा कि कोई मुझे बता सकता है कि मिसेस मार्क पर्सन जो है वो कहाँ पे है। तो आवाज़ आई कि ओ यस हाँ, और एक ओल्ड मैन जो था स्लीपर्स में वो बाहर आया और उसने कहा कि मुझे पता है मिसेस मार्क पर्सन कहाँ पे है, वो बहुत ही एक ओल्ड, एक लवली ओल्ड लेडी है, उसने मुझे बताया, और वो बिट मडल हेडेड, काफ़ी क्यूरियोसिटी वाली और काफ़ी कंफ्यूजन वाली लेडी है, लेकिन उसकी एज में शी वॉज एंड वॉजन जी, तो उसकी जो एज थी उसमें उसे कंफ्यूजन वाला होना भी चाहिए था, क्योंकि उसकी जो एज थी वो है 101 ईयर ओल्ड की थी वो, और उसके जो जो घर था, जो हाउस नंबर 12 था, उसमें आग लग चुकी थी, किसी को नहीं पता क्यों लगी थी, लेकिन हाँ ये कह रहे थे सारे कि शायद जो कैंडल्स जो वो बर्न करती थी उससे आग लगी थी, क्योंकि उसे ये लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए वो कैंडल्स को जलाया करती थी। जो फायरमैन है वो वहां पे आग लगने के बाद आया और उसने ही उस ओल्ड लेडी को बाहर निकाला, बचाया था, और उसके बाद अब वो जो ओल्ड लेडी है वो नर्सिंग होम के अंदर है, बर्लिंगटन हाउस जो है नर्सिंग होम का, वहां पे है डोरकेस्टर रोड पे,
जो कि टाउन के दूसरे साइड में है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, व्हाट डिड द ऑथर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, एंड द आंसर इज द ऑथर फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। एंड बी पार्ट इज राइट द एड्रेस ऑफ जिम मार्क पर्सन्स होम, एंड द आंसर इज जिम मार्क पर्सन्स होम एड्रेस वॉज हाउस नंबर 12, कोपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डोरसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मार्क पर्सन वेन द ऑथर फाउंड दिस लेटर, एंड द आंसर इज शी इज मिसेज मार्क पर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड देन। और बी पार्ट है, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज, ए इज केयरलेसली एंड बी इज एंडेड एंड आंसर इज केयरफुली एंड स्टार्टेड। After that, there are some comprehension check questions, so you may refer it from your books. And after this next paragraphs, we will continue in our next video. So stay tuned with your channel, with the channel, and stay tuned with your studies, which are being provided by us. Thank you.